एक और फर्जी स्कूल जहां चिंता का विषय बने हुए हैं, वहीं फतेहाबाद के स्कूल लोगों को हंसाने का काम कर रहे हैं। दरअसल फतेहाबाद में 10वीं कक्षा के पेपर चेकिंग का काम चल रहा है। इस दौरान जो टीचर्स बच्चों के पेपर चेक कर रहे हैं, उनके पेट में हंस हंस कर दर्द हो रहा है। जी हां, कई बच्चों ने सवालों के इतने हैरान करने वाले, इतने अजीबो गरीब उत्तर लिखे हैं जिन्हें देखकर हंसे बिना रहना मुश्किल है। किसी ने लिखा कि प्लीज मुझे पास करा दो क्योंकि मेरी शादी है। किसी ने लिखा मेरे रश्के कमर का गाना आंसर शीट में। देखिए आप भी। आप सर हो या मैडम, जो भी हो कोई बात नहीं, मगर मेरी एक रिक्वेस्ट है कि एक दो नंबर की कमी हो तो पास कर देना। मैं गरीब हूँ और अनाथ भी, मेरी शादी होने वाली है, फेल कर दिया तो बेइज्जती हो जाएगी। ये कोई पहली आंसर शीट नहीं है जिस पर इस तरह की दुहाई दी गई हो। कई आंसर शीट्स फिल्मों के दीवानों के भी हैं, जिन्होंने सवालों के जवाब देने के बजाय पूरी आंसर शीट रोमांटिक गानों से ही भर दी। तो वही एक छात्र तो हरियाणवी गाने का दीवाना निकला। मैं साइंस का पेपर चेक कर रही हूँ, इसमें बच्चे के सिर्फ 7 मार्क्स हैं आउट ऑफ 60। आप जैसे पूछ रहे हैं कि बच्चे कुछ और अटेम्प्ट करते हैं, इस बच्चे ने मोस्टली पेपर में सॉन्ग्स लिखे हुए हैं, जैसे पहली पहली बार मोहब्बत की है, कुछ ना समझ में आए, नैन कटोरे पागल छोरे, मेरे रस के कमल तूने पहली नजर, हुआ है आज पहली बार, इस टाइप के हैं और बच्चे के सिर्फ 7 मार्क्स। गानों और डायलॉगों के शौकीनों के बाद बारी आती है उन भक्तों की जिन्होंने सवालों के जवाब तो नहीं दिए लेकिन पूरे पेपर में भगवान की आराधना जरूर कर डाली। कोई बाबा का भक्त निकला तो किसी ने माता की शरण ली, तो वहीं कुछ छात्रों ने स्माइली बनाकर अपनी मुस्कुराहट टीचर्स तक पहुंचाई। ऐसे आता है कि रिक्वेस्ट भी आती है बच्चों की, स्माइलीज बनी हुई है, भगवान के गाने लिखे हुए हैं, राधे राधे वर्ड, जय बाबे दी, जय माता दी, और ऐसे करके हम बहुत गरीब है, अनाथ है, हमें पास कर देना, ऐसे काफी सारे बच्चे। आंसर शीट्स के मूल्यांकन के दौरान ये हकीकत खुद टीचर्स को भी हैरत में डालती है। हालांकि मूल्यांकन करने वाले टीचर्स को इन बातों से कोई लेना देना नहीं होता और परीक्षार्थी द्वारा लिखे गए प्रश्नों के उत्तर के मुताबिक ही नंबर दिए जाते हैं। टोटल न्यूज़ के लिए फतेहाबाद से रमेश भट्ट की रिपोर्ट।